डिस्कशन में जो पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हितेशी शर्मा, को फाउंडर केनवर्ड इंटरनेशनल, डॉक्टर अनंत शर्मा, पैट्रन एंड प्रिंसिपल ब्रेनोवेस्ट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड मिस्टर अक्षय पारे, साइकोलॉजिस्ट, यूएसए सर्टिफाइड काउंसलर एंड ट्रेनर, मिस्टर आनंद बी, हूज अ को फाउंडर फ्रॉम क्रेस्को. सभी मेहमानों का बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम ई कॉमर्स समिट 2024 में. डॉक्टर अनंत शर्मा जी, आप पैट्रन एंड प्रिंसिपल ब्रेकनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब इंडिया. मेरा सवाल डॉक्टर अनंत आपसे ये है कि बच्चों को एजुकेशन में ब्रेन मैपिंग कितना फायदा पहुंचा सकता है, पहुंचाएगा, और स्कूल में इसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है टेक्निकली? अगर हम बिना किसी साइंस के सिर्फ केवल जान लें कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, इसके टेंथ में आपके ये अच्छे परसेंटेज आए थे, आपको ये मैथ्स लेनी है, आपको बायोलॉजी लेनी है, आपको ये लेना है, कम बने फिर आर्ट्स, कम बने कॉमर्स ले लो, उससे कम बने आर्ट्स ले लो, ये टेंडेंसी बनी हुई है. बच्चों के जो टैलेंट है उसको देखना ही नहीं है, उसको समझना ही नहीं है, बस केवल ठीक है अंधेरे में तीर छोड़ दिया, जो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो वैसे. तो इससे बेटर ये है कि हम लोगों ने क्या करा है, एक DMIT होता है, डर्मेटोग्लाइफिक मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, और एक IRS एनालिसिस होता है. उसके जो एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट कंसल्टेंट है, वो हमारे साथ में है. तो इस टेस्ट के थ्रू क्या करा जाता है, वो भी पूरा साइंटिफिक टेस्ट, मतलब उसको स्किन को, जो स्किन्स हैं, जो आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं खासतौर पर, राइट, तो ये जो फिंगरप्रिंट्स जब जनरेट होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्टेड है न्यूरॉन्स से. तो इस कारण से ये है DMIT के थ्रू. अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अभी की ये टेक्नोलॉजी है, USSR, आप ओलंपिक मेडल टैली जब आप देखेंगे उस टाइम की उठा करके, तो USSR 100 टाइम्स बेटर था बाकी और कंट्रीज से. उसके बाद में जब वो टूट गया, फिर उसके बाद में जापान, USS, रशिया रहे, फिर टाइम पे USA आया, और अब चाइना ने ये जो टेक्नोलॉजी है छोटे छोटे बच्चों पे यूज करना स्टार्ट कर दिया है. और उसका टैलेंट, बच्चे का टैलेंट जान करके उसको छोटी क्लास में ही उसी फील्ड में वो प्रैक्टिस कराते हैं, उस टैलेंट को ट्रेन करके स्किल्स में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए वो मेडल जीत रहे हैं. हमारे साथ अक्षय पारिक जी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, USA सर्टिफाइड काउंसलर एंड ट्रेनर. इसका बहुत बेहतर जवाब अक्षय शायद अच्छे से दे पाए. कैसे लैब की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई और आप इसमें क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं जिससे उस बच्चे को मदद मिल सके? ब्रेनोसेट ब्रेन मैपिंग लैब जो है वो हमने इसको शुरू करने का जो मेन उद्देश्य ये था कि मेन जो प्रॉब्लम हमने देखी है एजुकेशन इंडस्ट्री की वो ये है कि हमारा जो पेरेंट्स है वो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है. और ये जो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड है वो सिर्फ पेरेंट्स का ही नहीं है, ये बच्चों का भी है. हमने इसकी जब स्टडी करा और जब मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, देन बहुत सारी कंट्रीज हमसे आगे हैं ऑलरेडी. इंडिया से USSR पहला ऐसा देश था जिसने डर्मेटोग्लाफिक को पूरी साइंटिफिक स्टडी, ये 200 इयर्स पुरानी है, और इस साइंटिफिक स्टडी को जब उन्होंने अप्लाई किया अपने देश के अंदर 1972 में, आप सर्च करिएगा, देन उसी साल 50 गोल्ड मेडल USSR लेके आया था. और वही काम हम हमारे भारत देश के बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, प्लस स्कूल्स के ऑनर्स को और स्कूल्स मैनेजमेंट को हम ये सिस्टम देना चाहते हैं ताकि वो स्कूल मैनेजमेंट उन बच्चों को, जो आर्ट्स का बच्चा है उसको आर्ट्स में बिठाए, जो मेडिकल का बच्चा है उसको मेडिकल में बिठाए, जो इंजीनियरिंग का बच्चा है उसको इंजीनियरिंग में बिठाए, और जो UPSC का बच्चा है उसको UPSC के अंदर बिठाए, जो कॉमर्स का बच्चा है उसको बिठाए. आपके रिजल्ट्स इतने शानदार रहेंगे संस्था के, और हमारे बच्चों के जो रिजल्ट्स हैं वो शानदार रहेंगे.